चतरा के घोर नक्सल प्रभावित प्रतापपुर के जमुआ मिडिल स्कूल में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है और कभी भी धराशायी हो सकती है। स्कूल का हाल ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। भवन की छत की सारी छड़ें नजर आ रही हैं, प्लास्टर गिर रहा है, इससे कई बच्चे अब तक चोटिल हो चुके हैं। लेकिन अभिभावक गण गरीब हैं और अपने बच्चों को वे कहीं और भेजने के लिए सामर्थ्य नहीं है। भवन बहुत कमजोर हो गया है, टूट टूट कर गिर रहा है, गिरने से कई बच्चे या शिक्षक के भी सर पे गिरने से घायल हुए हैं, जिस कारण हम लोग बच्चों को विद्यालय में नहीं बैठा रहे हैं। विद्यालय से बाहर पेड़ है, पेड़ के छांव में एक वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें बच्चों को बैठा कर पढ़ाई करवा रहे हैं। मेरे विद्यालय जल जल हो गया है, पढ़ते समय छत का सीमेंट टूट टूट कर गिरते रहता है और कई बच्चों घायल भी हो गए हैं। स्कूल के जर्जर हाल को देखते हुए कुछ बच्चों को स्कूल के अंदर और कुछ बच्चों को स्कूल के बाहर पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाता है। इस संबंध में उन्होंने कई बार विभाग को लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऑफिस में भी आवेदन दिए हैं, रिसीविंग करवा चुके हैं, फिर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बीआरसी कार्यालय में भी दिए हैं आवेदन, वहाँ से भी रिसीविंग लिए हैं सब कुछ, और बीओ सर भी आए हैं, बिल्डिंग का फोटो वगैरह खींच के लेके गए हैं। एक दो बार तो आए हैं, पिछले बार बीओ आए थे वो भी खींच के ले गए हैं, मगर अभी तक किसी प्रकार का कोई। कब ले गए? हो गया लगता है 19 में ले गए। देखिए इसीलिए तो हम लोग इसमें नहीं बैठाते हैं, विभाग को सूचित भी किए हैं कि किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटती है तो विभाग जिम्मेवार होगी। आपके माध्यम से हमको मालूम चला तो तत्कालीन हमने जो है जिला शिक्षा अधीक्षक से संबंध में रिपोर्ट मांगी है, और इस तरह के जितने भी जर्जर स्कूल हैं जहां पर कभी भी कोई घटना हो सकती है इसका असेसमेंट करा करके हम लोग इसका निर्माण कराएंगे। सरकार और शिक्षा विभाग लगातार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जर्जर स्कूलों की व्यवस्था में तत्काल सुधार करने की जरूरत है ताकि गांव के स्तर पर शिक्षा में अपेक्षित सुधार हो सके। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।